गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 20 अप्रैल है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज़ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज की जो पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आर्टेमिस एकार्ट्स के संबंध में। स्वीडन आर्टेमिस एकार्ट्स में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है। आर्टेमिस एकार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, अगर स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आए तो भी आप इसे सही कर ले जाएं। तो पहला फैक्ट तो आपको यही याद रखना है कि स्वीडन आर्टेमिस रिकार्ड्स में शामिल होने वाला है, कौन से नंबर का देश बन गया है, तो 38वां नंबर का देश बन गया है। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के आधार पर 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेशी विभाग के समन्वय से इसे इस्टेब्लिश किया था। ये एकार्ट्स सिद्धांतों का एक सेट है जिन्हें 21वीं सदी के असैन्य उद्देश्य से अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सिद्धांत बाध्यकारी नहीं है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। स्टेटमेंट में इसी तरीके के आपको एग्जामिनर देता है कि ये सिद्धांत बाध्यकारी हैं, तो आपको याद रखना है ये सिद्धांत बाध्यकारी नहीं है। ये एकार्ट्स असैन्य अंतरिक्ष कूटनीति में बहुपक्षीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही ये अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के साझा विजन वाले अलग अलग देशों को भी एक साथ लाते हैं। भारत भी आर्टेमिस एकार्ट्स का सदस्य है, तो इसे भी आप लोग याद रखना। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला आर्टेमिस एकार्ट्स क्या है। अब आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, असैन्य उद्देश्य से अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्गदर्शन करने हेतु डिजाइन किए गए सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी सेट है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है अरल सागर से संबंधित, ये चर्चा में की हुई और यहां से लगातार प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो भी पूछा गया है, क्योंकि अरल सागर का जल जो है वो लगातार सूख रहा है। तो एक हालिया अध्ययन के अनुसार अरल सागर के सूखने से बने रेगिस्तान ने मध्य एशिया को अधिक धूल भरी जगह बना दिया है। अरल सागर के बारे में देखें तो यह मध्य एशिया के खारे पानी की एक झील है। इस सागर के उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान स्थित है, यानी ये जो अरल सागर झील है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है, दोनों के बाउंड्री लाइन में है। अन्य महत्वपूर्ण झीलें जिनमें कुछ पिछले दशक में पानी काफ़ी कम हो गया, हम देख रहे हैं लगातार कुछ ऐसी झीलें हैं जहां पर पानी की जो है कमी देखी जा रही है, लगातार उन झीलों का पानी सूख रहा है और यहां से एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उन झीलों में शामिल है एक उर्मिया झील, जिससे हमने हाल ही में इसके बारे में चर्चा भी की थी। यह उत्तर पश्चिम ईरान में इसके अजरबैजान नामक क्षेत्र के विशाल मध्य निम्न भूमि क्षेत्र के नीचे स्थित है। वहीं एक झील और है हमाउन झील, यह ईरान अफगानिस्तान की सीमा पर ईरान के क्षेत्र में स्थित ताजे जल की झील है और इन सभी झीलों का पानी सूख रहा है। तो इन झीलों की ज्योग्राफिकल लोकेशन याद रखना, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। अरल सागर की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री में है। हमाउन झील ईरान अफगानिस्तान की सीमा पर है, वहीं उर्मिया झील उत्तर पश्चिम ईरान में स्थित है। अब अरल झील से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म अरल सागर के इर्द गिर्द स्थित है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में बन सकता है, ये यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अब आपके एग्जाम में भी अगर जो लोग 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और झीलों के बारे में 29वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था, विक्टोरिया झील और कई स्टेटमेंट बना के वहां से क्वेश्चन आया था, तो याद रखना इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट खबर है, तेलंगाना में कुछ नए पुरातत्व स्थल खोजे गए हैं। इन पुरातत्व स्थलों की खोज कितनी है, 3 है जो अभी खोजे गए हैं, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओराकुट्टा। ओराकुट्टा ये लौह युग का एक महापाषाण स्थल है, इसे आप लोग याद रखना। यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो पुरातात्विक स्थल हैं और जो नए खोजे जाते हैं उनको अक्सर पूछ लिया जाता है। तो तेलंगाना में 3 नए पुरातत्व स्थल खोजे गए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओराकुट्टा, यह एक लौह युग का महापाषाण स्थल है। वहीं अगर हम देखें तो दमरा टोगू में 2 नए स्थल खोजे गए हैं। देवर बंदमुला, यहाँ केवल जानवरों के चित्र मिले हैं, मनुष्य या हथियारों का कोई चित्र नहीं मिला है। तो ये अलग अलग स्थल हैं, आपको इसमें जो याद केवल रखना है वो ओराकुट्टा जरूर याद रखना, ये लौह युग का एक महापाषाण स्थल है, बाकी आप दोनों स्थलों को स्किप कर सकते हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनाया गया है कि हाल ही में एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओराकुट्टा की खोज की गई है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, तेलंगाना होगा। तेलंगाना में जो ही ओराकुट्टा नाम का एक पुरातात्विक स्थल खोजा गया है, ये लौह युग का महापाषाण स्थल है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर देता हूं ताकि आपको क्लासेस के साथ में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा सफल प्रशिक्षण किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, कहां से किया गया है, किस तरीके की क्रूज मिसाइल होती हैं और इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको यहां बताए जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। डीआरडीओ द्वारा पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से इस
मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। अब क्रूज मिसाइल होती क्या है? तो क्रूज मिसाइल मानव रहित होती हैं, ये वायुमंडल में ही गमन करती हैं और भूमि से कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं। ये जो क्रूज मिसाइल का सफर प्रशिक्षण किया गया, ये लंबी दूरी की सबसोनिक एक क्रूज मिसाइल है। अब सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या मतलब होता है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की गति से कम गति, लगभग 0.1 मैक पर ये उड़ान भरती हैं। हमने आपको बताया कि इस क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहाँ किया गया? पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। और हम अक्सर देखते हैं कि भारत में जो भी मिसाइल का प्रशिक्षण होता है वो पूर्वी तट से किया जाता है, यानी जिस तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी है। क्यों किया जाता है प्रशिक्षण, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के पूर्वी तट से ही मिसाइलों का प्रशिक्षण क्यों किया जाता है। कारण क्या है कि प्रक्षेपित उपग्रह को अंतरिक्ष में तीव्र गति से निकलना होता है ताकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच न ले। भूमध्य रेखा के पास घूर्णन गति अधिक होती है, इसलिए इसके नज़दीक से प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष में तीव्र गति से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर देता है। इससे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट की लागत को कम करने में मदद मिलती है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है कि मिसाइल की विफलता के मामले में बंगाल की खाड़ी एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। इससे मिसाइल उपग्रह अंतरिक्ष रिहायशी इलाकों की बजाय बंगाल की खाड़ी में गिरकर नष्ट हो जाता है। इस क्षेत्र में कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री या एयरलाइन मार्ग नहीं है, इसलिए किसी भी तरह से प्रशिक्षण किया जा सकता है। टेस्टिंग लॉन्च के दौरान कुछ मौजूदा समुद्री या एयरलाइन मार्गों को बिना अधिक बाधा पैदा किए अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। तो ये कुछ कारण हैं। कारण क्या है कि बंगाल अगर किसी भी तरीके की अगर संभावना व्यक्त की जाती है कि मिसाइल को हमें नष्ट करना है, गिराना है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरा दी जाती है। चूंकि यहाँ किसी प्रकार की समुद्री या एयरलाइन मार्ग नहीं है तो किसी तरीके की बाधा भी नहीं होती है, इसलिए जो भी मिसाइल या उपग्रहों का प्रशिक्षण भारत में करना होता है तो वो भारत के पूर्वी तट से किया जाता है। तो ये याद रखिए क्या कारण है इसका, कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूमध्य रेखा के नज़दीक के स्थलों से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष में तीव्र गति से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है कि भूमध्य रेखा के अगर नज़दीक होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण वहाँ कम होता है, जिससे जो उपग्रह होते हैं वो तीव्र गति से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भूमध्य रेखा के पास स्थलों से उपग्रह को लॉन्च करने से उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट की लागत को कम करने में मदद मिलती है, हमने ऊपर बताया। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाल ही में WHO के द्वारा कई बार खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस के संदर्भ में बताना है कि आपको कौन से स्टेटमेंट इन दोनों में से सही है। पहला स्टेटमेंट है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, दिशा निर्देश या अभ्यास संहिताओं का यह संग्रह है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विकसित किया गया। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को यह नहीं पता होगा, तो इसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोडेक्स एलिमेंटेरियस है या खाद्य संरक्षा जिसे फूड सेफ्टी कह सकते हैं, और गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, दिशा निर्देशों तथा अभ्यास संहिताओं का यह संग्रह, यानी फूड सेफ्टी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, इन सबका जो है ये संग्रह है। इसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग ने विकसित किया है। यह आयोग खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त संस्था है। वहीं भारत के संदर्भ में जो फूड सेफ्टी को लेकर मानक निर्धारित किए जाते हैं वह भारत का खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई है। इसी कानून के तहत भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम FSSAI की स्थापना की गई। यह प्राधिकरण भारत में खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता के लिए शीर्ष विनियामक संस्था है। तो हमने खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिशा निर्देश नियम बनाए गए हैं वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस के संदर्भ में हमने देखा, और दूसरा भारत के संदर्भ में जो फूड सेफ्टी को लेकर गुणवत्ता सुनिश्चित करता है वो भारत का खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006, जिसमें खाद्य संरक्षा की परिभाषा भी दी गई है, और साथ ही इसी के तहत फसाई को भी इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो प्राधिकरण है, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, यह प्राधिकरण भारत में खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता के लिए शीर्ष विनियामक संस्था है। आप कोई भी खाने वाली चीज़ लेते हैं तो उसमें आप देखते होंगे फसाई के द्वारा जो है उसे ऑथेंटिकेट किया जाता है, तभी वो मार्केट में चीज बिकती है। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट क्या था, कि खाद्य संरक्षण और गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, दिशा निर्देशों तथा अभ्यास संहिताओं का संग्रह है। तो ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा ऊपर। दूसरा स्टेटमेंट था, या इसे खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा विकसित किया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर कि इसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के द्वारा विकसित किया गया। हालांकि ये जो आयोग है ये खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त संस्था है, तो इसे विकसित खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा नहीं किया गया है। तो
ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी क्यों आपको याद रखना है, क्योंकि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हेतु प्रारंभिक नामांकन के लिए चुना गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। श्रीनगर का चयन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में इसके अंतिम नामांकन से पहले इसके शिल्प क्लस्टर को मैप करने के लिए किया गया है। अब ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी क्या है इसे देख लेते हैं। इसे 2014 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय प्राधिकारियों, शिल्प और समुदाय की भूमिका को ये मान्यता प्रदान करता है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप दुनिया भर में शिल्प शहरों का एक गतिशील नेटवर्क स्थापित करता है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल कुवैत स्थित एक संगठन है और यह दुनिया भर में पारंपरिक शिल्प की मान्यता और संरक्षण पर काम करता है। और इसी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ही श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हेतु प्रारंभिक नामांकन के लिए चुना गया है। तो ये आप याद रखना, श्रीनगर को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हेतु चुना गया है 2024 के लिए। इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स के संबंध में WHO ने एक वैश्विक तकनीकी परामर्श रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में हवा के जरिए संचारित होने वाले रोगाणुओं के लिए अपडेटेड शब्दावली दी गई है और ये जो अपडेटेड शब्दावली है इसी का नाम है इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स। अब ये इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स हैं क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स ये संक्रमण कण होते हैं। ये कण किसी श्वसन संबंधी रोगाणुओं से संक्रमित व्यक्ति द्वारा सृजित व निर्मुक्त होते हैं और रोगाणु सांस लेते समय, बात करते समय या अन्य क्रियाकलाप करते समय मुख या नाक द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो बेसिकली वैसे रोगों को इसमें शामिल किया गया है जो श्वसन संबंधी संक्रमण फैलाते हैं, जैसे COVID-19। अब COVID-19 संक्रमित कोई व्यक्ति है और आपके सामने कोई छींक देता है तो आपको भी जो है वो संक्रमण हो सकता है, सांस लेते समय, बात करते समय या मुख या नाक के मार्ग से प्रवेश कर जाते हैं। इसी में इन्फ्लुएंजा, खसरा, TB जैसे रोगों को इसमें शामिल किया गया है जो श्वसन संबंधी संक्रमण फैलाते हैं। इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स को कोई निर्धारित आकार नहीं है। इनमें छोटे व बड़े कणों को लेकर कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है। पहले के जो शब्दावली इस तरीके की निर्धारित की जाती थी उनमें संक्रमण के कणों का आकार भी बताया जाता था, जैसे एरोसोल आमतौर पर छोटे कण और बूंदे या ड्रॉपलेट्स आमतौर पर भी बड़े कण होते थे। तो ये याद रखना कि नई अपडेटेड शब्दावली WHO द्वारा जारी की गई है जहां हवा के जरिए संचारित होने वाले रोगाणुओं से संबंधित है और इस शब्दावली का नाम है इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स। और इस शब्दावली में कोई निर्धारित आकार नहीं है कि जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे होंगे या बड़े होंगे, जैसे पहले निर्धारित किया जाता था, बताया जाता था। तो ये याद रखना, इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स हैं क्या। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, अबू धाबी में 16वां विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो आप बस इतना याद रखिए कि 2024 में होने वाला 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन कहाँ किया जाएगा, तो अबू धाबी में किया जाएगा। जब यह सम्मेलन हो जाएगा तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 कहाँ होगा, अबू धाबी। अबू धाबी किस कंट्री में पड़ता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न है, फ्रांस के एक मरीज को पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम के लिए भारत का पहला हाई सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन प्राप्त हुआ है। पार्किंसंस रोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो बेसिकली आपको इतना बताना है कि पार्किंसंस जो रोग होता है मुख्य रूप से शरीर के किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। ऑप्शन है आपके पास किडनी, दूसरा है हृदय, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है फेफड़े। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने आपको पिछली क्लास में एक प्रश्न दिया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। कई सारे बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने, जिन बच्चों ने इसका उत्तर बताया वो उनका उत्तर सही है। ग्रास हॉपर इफेक्ट के बारे में हमने पूछा था, जिसे ग्लोबल डिस्टिलेशन के रूप में जाना जाता है। एक भू रासायनिक प्रक्रिया है जो परिवहन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, निम्न अक्षांशों से आर्कटिक क्षेत्र में विषैले रसायनों का परिवहन किया जाता है, उसी के संदर्भ में ये ग्रास हॉपर इफेक्ट हमने पूछा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में चर्चा में है इसलिए हमने पूछा है। और ये भी चर्चा में है पार्किंसंस रोग, और इस रोग के इलाज के लिए जो है फ्रांस के एक मरीज को भारत का पहला हाई सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन मिला है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज यहीं करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। हमने सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उन्हें यहाँ पर चर्चा किया गया है। हम यहाँ उन्हीं करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप UPSC और सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी किसी स्टेट PCS
की तैयारी कर रहे हैं और मेरी क्लासेस का टारगेट 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ आरओ इन सभी का एग्जाम देंगे, यूके पीएससी का एग्जाम देंगे, तो भी ये क्लासेज आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी। ये क्लासेज बहुत ही डिटेल में आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं, तो आप इन पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज को पढ़ते हैं, इनका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो आपको फिर किसी दूसरी मैगजीन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आपका एग्जाम होगा, आप वार्षिकांक कोई मैगजीन उठाएंगे, तो आपको लगेगा कि हमने ये सभी चीज़ें पहले से ही पढ़ रखा है, इसलिए आप इन्हें डेली कवर करते रहें, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते रहें ताकि उनका मल्टीपल रिवीजन कर सकें। और क्लासेस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इन्हें लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इस मामले में कंजूसी ना करें। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।